आज का जो दौर है वो आज के इस दौर में आपको आपके फील्ड का स्पेशलाइज्ड होना बहुत जरूरी है, और वो स्पेशलाइजेशन एक दिन में नहीं आ सकता, इसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। आज मैं आपको 3 पावरफुल टिप्स देना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप आपके फील्ड के मास्टर्स बन सकते हैं, और वो मास्टर्स बनने के बाद आपका एक अच्छा नाम हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट टिप फॉर बिकमिंग अ मास्टर्स ऑफ योर फील्ड इज रीड एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ योर फील्ड। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जिस फील्ड के मास्टर्स बनना चाहते हैं उसका हम लोग कंटिन्यूसली रीडिंग नहीं करते, स्टडी नहीं करते, उससे उस सब्जेक्ट पर हमारी जो कमांड है वो जितनी अच्छे तरीके से होने चाहिए वो होती नहीं है। आज से आपको एक काम करना है, आपको टीवी देखना बिल्कुल बंद करना है और आपके फील्ड का रीडिंग 60 मिनट करना है, आपको अगर आपके फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है तो। और आप जब भी रीडिंग के लिए बैठेंगे तो आपको डायरी और पेन लेके जरूर बैठना है। मैंने किसी टीचर को पूछा कि आप किस फील्ड के टीचर है, तो उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजी की टीचर हूं। तो मैंने कहा कि लास्ट टाइम आपने अपने बायोलॉजी का नॉलेज कब अपडेट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कई सालों से बायोलॉजी का लेटेस्ट लिटरेचर नहीं पढ़ा। तो वो अपने सब्जेक्ट का डोमेन एक्सपर्टीज किस तरह से हो सकेगा। तो इसीलिए अगर आप जिस फील्ड में हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, आर्किटेक्ट हो, आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपके फील्ड का लिटरेचर आपको डेली 60 मिनट पढ़ना होगा। माय सेकंड टिप इज लिसन ऑडियो और वीडियो ऑफ योर फील्ड। ये बहुत जरूरी है कि आपके फील्ड का डेली आपको आज के दौर में ऑडियो और वीडियो सुनना है। इसके पहले हमारे पास विज्ञान ने इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं थी कि हमारे फील्ड का हम लोग लिटरेचर इकट्ठा कर सके, देख सके या उस पर रिसर्च कर सके। बट आज के इस दौर में आप हमारे पास इतने बड़ी तादाद में ऑडियोज और वीडियोज हैं, बट ये सारे जो है इसका बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे सामने सारा लिटरेचर आज के दौर में कलेक्ट है। तो हमको क्या करना है कि हमारे फील्ड के ही ऑडियोज और वीडियो सुनना है ताकि हमारे सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ बनी रहे। माय थर्ड एंड फाइनल टिप फॉर बिकम मास्टर ऑफ योर फील्ड इज अटेंड ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बहुत बार क्या होता है कि जब जब हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो हमारा नॉलेज ज्यादा पॉलिश होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं करते और इसके वजह से उनका नॉलेज अपडेट और अपग्रेड नहीं होता। तो आप ट्राई करिए आपके फील्ड के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रेगुलरली अटेंड करें। इससे भी आप आपके फील्ड के मास्टर्स बन सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस चैनल पर आप पहली बार हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।